आपके लिए पांच सीट जिताने के देगा तो ये तीन दिनों आपको छह सीट जिताने का काम करेगा। ये मुसलमानी शक्ति इस राजस्थान की राजधानी, इस राजस्थान की राजधानी में जयपुर कही जाती है, वो कांग्रेस बीजेपी के लिए हो सकती है, लेकिन हमारा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से माननीय अध्यक्ष शाम को हम इतना काम करके दिखाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की राजधानी ये झुंझुनू बन करके दिखाएंगे। सम्मानित साथी, मेरा आप लोगों से निवेदन है, सम्मानित साथी, मुझको बताया यहाँ पे मेरे राजपूत समाज के भी काफी भाई बैठे हुए हैं, मेरे मुस्लिम समाज के काफी भाई आते हुए हैं, मेरे शरी समाज के काफी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस आधार पर मेरे सम्मानित साथियों मैं बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो ये अफवाह फैलाई गई थी कि बहुजन समाज पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी कभी जाति विशेष की पार्टी नहीं रही है, बल्कि जातियों को जोड़ करके भाईचारा के नाम पर गाड़ा लगा करके मसाला लगा करके इस देश में ये चार किस्म के लोग इस देश पर जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, संगठनों के नाम पे जो तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, कल परसों उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन कुमारी मायावती ने इतना जबरदस्त स्टैंड लिया कि सारे के सारे लोग भी धराशायी हो गए। मायावती अभी जिंदा है, मायावती के समाज के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का प्रयास मत करना, चाहे वो राजपूत समाज के भाई हो, चाहे वो हमारे ब्राह्मण समाज के भाई हो। और हमारे भाषण साथी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती दलितों के नेता है, नहीं, बहन कुमारी मायावती कभी दलितों के नेता रहे हो, मान्यवर साहब का श्याम कभी दलितों के नेता नहीं रहे, बाबा साहब कभी दलितों के नेता नहीं रहे, उन्होंने तो केवल सेफ कार्ड देने का काम किया और ये बताने का काम किया, अरे इस देश की जो कुछ जो तरह कुछ लोग हैं, अरे ये थोड़ा सा सहारा ले जाए, अगर इनका विकास होता है तो इनका विकास नहीं पूरे देश का विकास होगा। मेरे सम्मानित साथियों मैं बताना चाहता हूँ, इन दुश्मनों को लड़काना चाहता हूँ, जो दुश्मन हमारे संविधान को बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं, मेरे सम्मानित साथियों, मेरे राजपूत भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप लोगों की सरकार नहीं है, आज वसुंधरा राजे की सरकार नहीं है, आज इस देश में सरकार इन पूंजीपतियों की है। हमारे साहब बताया करते हैं कि अभी कल परसों राजपूत समाज के चीफ सेक्रेटरी को माननीय वसुंधरा राजे जी ने अपॉइंट किया था, लेकिन उसको उसके खिलाफ वहां से आपके अमित शाह के तरफ से कॉल आया कि तुम मुख्यमंत्री हमारी वजह से हो, आप लोगों को अपनी मर्जी से चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करने का अधिकार नहीं है, जबकि पीए अपनी मर्जी का रखने का अधिकार होता है, लेकिन आज वसुंधरा ने अपनी मर्जी का अपना पीए नहीं रख पाई और वहां से आदेश आया, उसके तहत उन्होंने गोयल नाम के एक इंसान को अपना चीफ सेक्रेटरी रखा, वे मजबूरी थी। मेरे सम्मानित साथियों मुसलमानों की स्थिति तो बड़ी खराब है, जाट भाइयों की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ सभी समाज के लोगों को, आज हमारे सर पे कंधे पे हमारे वजन है, मैं इतना बताना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि साहब भी कुछ कुछ मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि जब तक डॉक्टर रिजल्ट बता के आते हैं तब तक आप थोड़ा समय ले सकते हैं, मैं ऐसा तरंगों के माध्यम से साफ से महसूस कर रहा हूँ। सम्मानित साथियों मैं एक लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार एक आदमी के पास एक गधा था और एक घोड़ा था, उसने सारा वजन गधे के ऊपर ला दिया और ये कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, थोड़ी देर के बाद गधे को वजन लगा, गधे ने कहा घोड़े से कि भाई थोड़ा वजन तू भी ले ले, पर घोड़े ने कहा नहीं, तेरा काम तू गधा है, तेरा काम वजन ढोना है, मैं तो घोड़ा हूँ, मैं तो मालिक को लेकर चलता हूँ, उसको बेचारे को वजन ढगा लगा और आगे जाके गधा गिर गया, मालिक ने पीछे मुड़ के देखा कि घोड़ा तो आ रहा है गधा नहीं आ रहा है, वो पीछे मुड़ के आया, उसने सारा वजन उठा करके देखा, उसने देखा कि हाँ गधा तो दबा पड़ा है, उसने सारा वजन उठाया और हाँ और घोड़े के ऊपर ढक दिया, ये तो करेगा, उसने घोड़ा बहुत तेज
महसूस हुआ और आगे जा करके वो घोड़ा भी मदद की वजह से गिर गया। पीछे से लंगड़ाता घोड़ा आया, उसने कहा देख घोड़े, अगर तू मेरी बात को मान लेता तो ना तो तू गिरता और ना मैं गिरता, ना तू मरता ना मैं मरता। ऐ मेरे जाट समाज के भाइयों, ऐ मेरे राजपूत समाज के भाइयों, ऐ मेरे सैनी समाज के भाइयों, ऐ मेरे यादव समाज के भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने आप को घोड़ा मानते हो और हमें गधा मानते हो तो हम लोग वजन लेकर चलने के लिए तैयार तो है सारा वजन। ऐ मेरे मुस्लिम भाइयों, आप भी अपने आप को मानते हो तो हम लोग सारा वजन लेकर चलने के लिए तैयार है, लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है, हमारा प्यार जगमगा रहा है, हमारा प्यार जगमगा गया, हम गिर गए तो याद रखना तुम भी देश में जिंदा नहीं बच पाओगे, थोड़ा वजन तुम भी ले लो। और मेरे सम्मानित साथियों, बताना चाहता हूँ जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग एक साथ मिलकर के जो इस संविधान को बदलना चाहते हैं, और सम्मानित साथियों में सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, इसमें सभी का नुकसान है, सभी जाति धर्म वादियों का नुकसान है, केवल पूंजीपतियों का फायदा है। उनके लिए कहना चाहता हूँ जो संविधान को बदलना चाहते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूँ, हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा संविधान क्या बदलोगे, हम तुम्हारी सरकार भी बदल देंगे। मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है, ये आखिरी समय है, आप लोग चाहो तो अपने आप को बचा सकते हो। ये वोट का अधिकार किसी को हराने का और किसी को जिताने के लिए नहीं दिया था। कोई कहेगा कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी को वोट दे दो, तो दूसरा कहेगा बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, नहीं, ये वोट का अधिकार किसी को हराने और किसी को जिताने के लिए नहीं दिया था, बल्कि आप लोग का वोट बहन कुमारी मायावती के पक्ष में दे करके ये प्रमाणित करने के लिए दिया था कि हम लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक है, चाहे हमारी बहन जी हारे चाहे जीते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपना वोट बहन कुमारी मायावती को दे करके अपने आप को अधिकार के प्रति जागरूक करना है। और कहना चाहता हूँ, जरा हम भी तो देखे जल की आग शमशान की और के